उस चेयर पर बैठे हैं इसलिए सरकार नहीं जा रही, आप एक गैरकानूनी असंवैधानिक सरकार की रक्षा कर रहे हैं। नहीं तो सरकार कभी की जाती, आप उसके संरक्षक हो जो गैरकानूनी सरकार चल रही है। और जो स्पीकर साहब है ट्रिब्यूनल, वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको निर्देश दिया बातें कम करो, पॉलिटिकल बातें कम करो, ये उनको निर्देश। आप जिस चेयर पर बैठे हो संवैधानिक और विपक्ष ऐसी चेयर, आप उसके ऊपर बैठकर सरकार की जो गैर कानूनी सरकार है उसकी वकालत नहीं कर सकते। और मैं फिर कहता हूँ, आप उस चेयर पर बैठे हो, आप जैसी व्यक्ति जिसने 10 बार पार्टी बदल ली है, हाँ, अपने स्वार्थ के लिए, इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते। अगर कोई संविधान मानने वाली व्यक्ति उस पर बैठी होगी तब तक सरकार चली जाती। सरकार कब गिरेगी इसका भविष्य आप मत बताएं, हमें मालूम है सरकार कब गिरेगी, लेकिन जब तक आप जैसे लोग संवैधानिक पद पर बैठे हैं तब तक ये सरकार रहेगी। तो कल वाइस प्रेसिडेंट मुंबई में आए थे, उन्होंने महात्मा गांधी की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की है, कहा है कि महात्मा गांधी महापुरुष थे पिछली सदी के और इस सदी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। 2024 के बाद आप ये बात कायम रखना, कौन पुरुष है, पुरुष कौन, युग पुरुष है कौन, महापुरुष है, ये हमने तय कर, इतिहास तय करना, सदियां तय करती, विश्व की जनता तय करती। महात्मा गांधी को विश्व ने माना है, युग पुरुष है, महापुरुष है, पुरुष है। अगर हम सत्ता पर बैठे हुए लोग युग पुरुष और महापुरुष की बात छोड़ दीजिए, पुरुष भी होते तो जम्मू कश्मीर में आए दिन हमारे जवानों की हत्या नहीं, लड़ाख में चाइना नहीं घुसता, समझा ना। बहुत सी बातें मैं बोल सकता हूँ, प्रधानमंत्री जी का हम आदर करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री उस पद का आदर करते और करते रहेंगे। तो पुरुष महापुरुष युग पुरुष हम नहीं तय करते, महात्मा गांधी जी को युग पुरुष बनाया है तो विश्व ने बनाया।